बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलो जी, ये ईद के जो है आखिरी दिन, तीन चार दिन पहले के जो क्लिप्स हैं मेरे पास में, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आखिरी दिन में बहुत ही बंदे की हर बंदे की मसरूफियत होती है, ईदें देनी दिलानी, रमज़ान के भी आखिरी अयाम चल रहे होते हैं, इबादत का भी ज़ोर शोर होता है कि जल्दी जल्दी इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने जो काम है इसे पहले पहले सारे फिनिश कर लें। चलो जी, ये मैंने अपनी बेटी को ही देनी थी और जो मैं बाज़ार गई थी, मैंने उस दिन बताया था आपको कि मैं क्या करने गई, और ये नेट लेने गई थी मैं। मुझे था कि थोड़ा स्पेशल की जाए उसकी ईदी को, तो मैंने इसको ले के, ये 150 में ओनली ये आई थी, लेकिन इतनी अच्छी लग रही थी और सबको इतनी पसंद, ये आइडिया सबको इतना पसंद आया था। थोड़ी सी एफर्ट करने से आप छोटी छोटी जो खुशियाँ ना वो दूसरों को देते हैं, तो जब वो खुश होते हैं, तो जब वो खुश हो के आपको थैंक्स बोलते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, तो आपकी वो फीलिंग है ना, वो मैं बता नहीं सकती। और ये हमारी जो हेल्पर है उनका सबसे पहले हक है। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग ही उनसे ली थी, मतलब ये नहीं है कि आपको दिखा के तो हम दिखावा कर रहे हैं कुछ, नींद ये है, बताने का मकसद ये है कि उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ हमारी पूछ होगी, हमारी इबादत, हमारे रोज़े, हमारी नमाज़ें किस काम की। और ये जी, जो बेटी के घर मैंने जाना था, तो इधर एक छोटा सा बेबी था जिसके लिए भी कोई गिफ्ट होना चाहिए था, तो ये मैं लेके आई। और उसने तो क्या खेलना, मेरी बेटी ने बहुत खेला इसके साथ, और उसका दिल था कि मैं इसको खोल के तो थोड़ा ना मैं इंजॉय कर ही लूँ। तो ईद देने जाएँ तो मीठी चीज़ ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता ईद, मीठी ईद हो और मीठी चीज़ ना हो, तो ये तो फिर ऐसे मुमकिन नहीं है। तो ये हम गए तो वैसे काफ़ी रात को थे, 10-11 बजे तकरीबन निकले थे, लेकिन सड़कों पे इतना रश था। जब भी बाज़ार जाते हैं उम्मीद होती है कि रश कम होगा, लेकिन जब भी जाएं आपको सड़कों पे इतनी रौनक, इतना मतलब रोड पे आपको नज़र आती है कि कोई टाइम जो है ना वो फ्री नहीं होता। हर बंदे की, जिस तरह हम बाहर गए हैं, इसी तरह हर बंदे की ज़रूरियात होती है, किसी ने जाना आना, कोई ईद, अपनी शॉपिंग, कोई दूसरों की शॉपिंग। चले जी, ये ईद इकट्ठी की, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी, ये प्यार मोहब्बत होता है जिससे पता चलता है कि आप किसी को कितना प्यार करते हैं या चाहते हैं। ये छोटा सा बेबी है और इसकी एक ख़ास बात यह है कि हमने इसको बड़ा अपनी तरफ इन्वॉल्व कर रहे थे अपनी तरफ, लेकिन ये अपने अंकल की तरफ ही बार बार देखी जा रहा था। बड़ी कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे और ये बच्चा जीत गया। हमने केक खिला के उसको खिलाते हुए, खेलते हुए उसको बड़ा कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका ना वो हमारी तरफ। चलो जी, ये वापसी पे हमारे, ये वापसी की आपको रौनक दिखा रहे हैं। इस टाइम तकरीबन सहरी का टाइम हो गया था, और ये रोड देखिए आप कितने बिजी हैं, सब शॉप्स खुली हुई हैं। लास्ट डे पे यही होता है कि अफ्तारी सहरी तक आपकी जो है ना शॉपिंग सब लोगों की चल रही होती है। अच्छा, ये जो मैं दूध आपको दिखा रही हूँ ना, इसकी मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ कि ये जाते हुए मैंने दूध बॉयल किया था, लेकिन गलती से जो चूल्हा है ना वो मेरे से थोड़ा सा चलता रह गया, और जब मैं वापस आई हूँ तो ये खुशक हो के पक पक के आधा रह गया। तो मैंने सोचा अब इसको और कहीं क्या यूज़ करना, चले इससे कोई रेसिपी तैयार करते। मीठी ईद है तो मीठी जो है ना डिश जो है ना आपको बताते हैं। फलूदे की सेवैयाँ तो मेरे पास इस टाइम नहीं थी, तो मेरे पास जो नॉर्मल सेवैयाँ थी मैंने वो ली, थोड़ी सी उनको बॉयल किया, और दूध वो इतना, वो पहले फलूदा जैसे बना हुआ था इतना गाढ़ा हो गया था, तो अगर वैसे ही उसको हम थोड़ी सी चीनी डाल के पीते तो वो बहुत टेस्टी लगना था, लेकिन मैंने उसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए ये थोड़ी सी, मैंने हाफ कप जो है ना 1.5 किलो के करीब मेरे पास दूध था, हाफ कप मैंने उसमें सेवैयाँ डाली बॉयल करके, तो उनको मैंने दूध में डाल के अच्छी तरह से पका लिया। ये चिया सीड है 1 चम्मच,
स्ट्रक्चर बन गया। शिमला मिर्च थी, प्याज है, आप अपने इसके मैंने कट्स लगाए हैं इसके।
ये फिर सारी ईद की प्रिपरेशन चल रही है। इसमें जो इसकी फूड रेसिपीज हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, मैंने बस आपको बताया। ये देखिए फाइनली फिर ईद की सफाइयाँ, और ये जैसे रमज़ान से पहले हम रमज़ान होता है कि घर साफ़ हो, नीट हो, और फिर इस तरह फिर ईद पे भी गेस्ट आते जाते हैं तो होता है कि घर एक दफ़ा फिर से अगेन इतनी डिटेल से सफाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है तो फिर ज़रा ईद की तैयारियों में भी ये भी एक दफ़ा शामिल होता है। और ये चांद रात आ गई और ये ईद मुबारक मैंने आपको कहना था तो बस वो टाइम ही नहीं मिला मुझे, चले अब कह देती हूँ। और ये जो फूल हैं जी, ये मैंने रात को ही मंगवा लिए थे, सुबह मैंने अपने अब्बू को मिलने जाना था। सुबह सुबह जो है कब्रिस्तान में फिर वो जेंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं तो हमें सुबह अर्ली जाना था, तो इसलिए फिर ये मैंने मंगवा के रात को ही रख लिए थे। और ये सारा जो चिकन और ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, इनकी फुल रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी। इसमें मैंने बस आपको बताया कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या हमने इन लास्ट दिनों में जो है दो तीन दिन होते हैं इसमें कितने काम और कितना सारा कुछ होता है। इबादत का भी ज़ोर शोर होता है कि इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, आखिरी लम्हात चल रहे हैं तो अल्लाह ताला के ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें और उनसे जो है मगफरत हासिल करें और अपने लिए जज़ाए खैर मांगें और अल्लाह ताला बस हमारी रखी हुई नमाजें रोज़े हैं वो कबूल करें, पढ़ी हुई नमाजें थोड़ी जो इबादत की है हमें वो ज़्यादा करके कबूल फरमाए। चले जी ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी।